नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज का जो साइंस का पेपर है, आपका पेपर सेट है 824 BN। तो इसका जो हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन में देखिए, पार्ट ए यानी कि खंड क में दिया गया है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक जो है, देखिए दोस्तों, मीटर में भी नापा जाता है, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो मुख्य रूप से अगर एसआई में दिया होता तो मीटर बताते, लेकिन जो है ये जो है सब हो सकता है। तो इनमें से सभी यानी कि आपका चौथा विकल्प सही होगा, इसमें से आपका जो है चौथा विकल्प सही होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिकतम होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम। अब देखिए, कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण के लिए जो अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मतलब जौन किसी माध्यम से होके निकलता है, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। आपतन कोण से जो है क्या होता है, अधिक होता है। तो जब यह कंडीशन कब होता है, देखिए, अपवर्तन कोण जो है अभिलंब से दूर कब हटेगा, जब वह सघन से विरल माध्यम में आएगा, ठीक है, तब जाकर अपवर्तन कोण बड़ा होता है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में यानी कि आपका पहला विकल्प सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को चार बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर डैश बटे आर का अनुपात क्या होगा, तो आर डैश बटे आर का अनुपात क्या होगा, तो इसको हम सॉल्यूशन के द्वारा भी बता सकते हैं। देखिए, इसमें देखिए, कह रहा है एक जो है प्रतिरोध है, इसको जो है चार बराबर भागों में काट दिया जाता है, चार बराबर भागों में काट दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक जो है प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो चार बराबर भागों में काटेंगे तो जो है आर बटे चार हो जाएगा, आर बटे क्या हो जाएगा, चार। तो सभी जो है चारों प्रतिरोध आर बटे चार, मैंने एक भाग जो है आर बटे चार कहलाएगा, तो चार गो है तो चार आर बटे, मैंने आर बटे चार जो है लिख सकते हैं, चारों प्रतिरोधों को प्रसर क्रम में जोड़ रहा है, तो मैंने ऐसे जो है जोड़ रहा है, ऐसे जो है जोड़ रहा है, ठीक है, ये जो चारों को समांतर क्रम में जोड़ रहा है। तो ये आपका जो है आर बटे चार हो जाएगा, ये भी आर बटे चार हो जाएगा, ये भी आर बटे चार हो जाएगा, ये भी आर बटे चार हो जाएगा, ठीक है। तो आर बटे चार है, इसको जो अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें हम लोग, समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो आर डैश निकालते हैं हम लोग, तो वन अपन आर डैश, तो वन अपन अगर आर डैश निकालते हैं तो एक बटे जो है क्या होता है आर वन होता है ना, तो एक बटे आर वन का मतलब आर बटे चार कर देंगे, ठीक है। आर टू का मतलब एक बटे आर बटे जो है क्या कर देंगे, फोर कर देंगे, फिर मैंने वह आर टू बटे फोर आर वन बटे फोर आर टू बटे फोर लिख देंगे, ठीक है। तो आर बटे फोर कर देंगे, सबको जो है क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एक बटे आर बटे फोर अधन में एक बटे आर बटे फोर होगा, चार को हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको पलट देंगे तो चार बटे आर हो जाएगा, धन में चार बटे आर हो जाएगा, अधन में चार बटे आर हो जाएगा, अधन में चार बटे आर हो जाएगा, ठीक है, होगा। अब जो हम लोग क्या करेंगे, तो एक बटा ये आर डैश है तो एक बटे आर डैश रहने दीजिए, अब इसको जो है सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए, हर बराबर है तो इसका अगर हर बराबर है तो हम लोग जो है इन चारों को जोड़ देंगे, तो चार चार आठ चार बारह चार सोलह, तो सोलह बटे आर हो जाएगा ये, ठीक है। अब सोलह बटे आर हो गया तो आर डैश बराबर कितना होगा, तो इसको पलट देंगे तो आर बटे ये हो जाएगा सोलह, ये कितना हो जाएगा आर बटे सोलह। आ एगो जो है कह रहा है कि आर बटे आर में संबंध बताइए, आर बटे सोलह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर डैश बटे आर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आर डैश का मान निकाल लिए हैं यहाँ पे आर बटे सोलह, तो आर डैश बटे आर का मान, तो आर डैश बटे आर का मान का मतलब क्या हुआ, तो आर का मान आर रहने दीजिए, आर का मान आर ही है, अब बटे आर डैश, तो आर डैश का मतलब हो गया कि आर बटे सोलह, आर डे और आर बटे आर है तो बटे आर रहने दीजिए। तो इसको हम लोग जो है क्या मान लीजिए कि यहाँ आपका जो हर एक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर बटे सोलह गुणे में एक बटे आर, तो आर से आर कैंसिल कर दिया गया तो ये जो है क्या हो जाएगा एक बटे सोलह। तो आर आर डैश बटे आर का अनुपात, आर डैश बटे आर का अनुपात आपका एक बटे सोलह हो जाएगा, यानी कि आपका चौथा विकल्प सही होगा, ठीक है। तो चौथा विकल्प इसमें सही है। इसके बाद से अगर हम लोग इधर देखें, देखिए आपको केवल हिंदी वाला ही देखना है, अंग्रेजी मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों के लिए है, तो आपको खाली हिंदी वाला देखना है। अब यहाँ पे कह रहा है विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो विद्युत धारा का मापन जो है आपको अमीटर से किया जाता है, विद्युत धारा को किससे नापते हैं, अमीटर से नापते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है फिजिक्स का, ये जो है आपका फिजिक्स का हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स के इधर
फिजिक्स के बाद से आपका जो है बहुविकल्पी केमिस्ट्री का आएगा। तो बहुविकल्पी केमिस्ट्री में देखिए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, यही होता है। इसके बाद से देखिए कह रहा है कि एक बिलियन है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो देखिए नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका मतलब हो गया कि वह जो है क्या होगा, अम्ल होगा। तो अम्ल का जो है पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि 6 होगा। ठीक है, 7 तो होगा नहीं, उदासीन हो जाता है। अब इनमें से कौन सा कह रहा है, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। तो कीटोन समूह जो है देखिए आपका जो है इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, ये जो है मेथेड प्रोपेनोन है, तो इसमें कीटोन समूह उपस्थित है। इसके बाद से जो है अब आगे देखिए, ये केमिस्ट्री का हो गया। और केमिस्ट्री के बाद से हम लोग देखते हैं, केमिस्ट्री के बाद से आपका जो है फिजिक्स आ जाएगा ना। तो फिजिक्स का जीव विज्ञान आ जाएगा। और जीव विज्ञान के जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को अगर हम लोग देखें, तो देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में पाया जाता है। तो एटीपी होता है, एटीपी दिया है, एटीपी। ठीक है, निम्न में से कौन सा केवल जंतुओं में पाया जाता है। तो देखिए जंतुओं में केवल तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, जंतुओं में केवल जो है क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, हार्मोन संभवतः नहीं होता है, वृद्धि तो होता है, श्वसन होता है, लेकिन केवल तंत्रिका तंत्र जो है जंतुओं में होते हैं, तंत्रिका तंत्र केवल जो है जंतुओं में ही होते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया, तो मटर के पौधे पर किया। निम्न में से कौन सी एक परत जो है पराबैंगनी किरणों को जो है पृथक करके रोकती है, तो ये जो है ओजोन परत होती है, जो पराबैंगनी किरणों को जो है क्या करती है, रोकती है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब बाकी जो भी इसके जो है सॉल्यूशन है, तो आप लोग कहेंगे तो जो है सबका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, समय का अभाव है, तो बस देख लीजिए, मिला लीजिए आपने क्या किया है, अगर आपका ये पेपर सेट है तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।